वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा, सर्दियों की आमद है तो एक ज़बरदस्त सा सूप बनाते हैं, रोटी का सूप मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखिए, हमारे पास ये ग्रिडल ऑन है। आपके पास ग्रिडल होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी फ्राई पैन हो सकता है, तवा हो सकता है। उसमें हमें कुछ चीज़ें ग्रिल करनी है, जो कि है चार टमाटर है हमारे पास, गरम गरम है ग्रिडल, और यहाँ हमारे पास दो प्याज़े हैं, ये चार कलियाँ लहसुन की है छिलकों के साथ, दो तीन साबुत मिर्चें हैं, एक बेल पेपर है और एक रोटी है जो कि बासी है पुरानी। तो इन सबको हम नज़र रखेंगे और इसे हमें अच्छा सा ग्रिल कर देना है। अब यहाँ हमारे पास एक पतीला रखा हुआ है चूल्हे पे, जिसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून तेल। तो ये चला गया एक टीस्पून तेल। इसमें हम डालेंगे आधा पाउंड चिकन के छोटे छोटे पीसेस है, यानी 250 ग्राम्स के आसपास। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, और ना चाहें तो ना डालें अगर वेज सिर्फ बनाना है तो। इसको हम सॉटे करते हैं। हमारा जो है चिकन थाई है, आप चाहें तो ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ हम डालेंगे क्वार्टर टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च। और अगर आपके पास ग्रिल की भी चिकन है तब आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। अगर अगली पिछली फ्रीज़र में पड़ी हुई है या कुछ भी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चले इसको हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। उलटते हैं पुलटते हैं। ये देखें अच्छी सी रोटी हो रही है हमारी। ये देखें भुनना शुरू हो गया है। गोल वाली मिर्चें जो मैंने डाली है वो लंबी वाली भी डाली जा सकती है, तेज़ी के लिए ही है। और ये जो बेल पेपर है ना, अगर आप चाहें तो उसको ओपन फ्लेम में भी कर सकते हैं, क्योंकि मोटी सी है ना, तो ये जैसे चूल्हा ऑन किया और ये डायरेक्ट भी यूँ की जा सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, ये बड़ी बड़ी सी है, तो यहाँ ओपन फ्लेम में भी किया जा सकता है। और प्लस ये मैसी भी नहीं है, इनमें से थोड़ा पानी वगैरह निकलेगा चूल्हा ख़राब हो जाएगा। ये बेसिकली सूप इतना पॉपुलर है और इसको, ये स्पेनिश है और तौतिया सूप कहा जाता है। तो तौतिया क्या होती है कि एक तो कॉर्न की होती है और एक होती है मैदे की, जिसकी मैंने आपको रेसिपी दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ देती हूँ। और ये हमारी व्हीट की है, यानी कि गेहूँ की आटे की। तो तौतिया जो है वो रोटी को ही कहते हैं। तो हम हेल्दी खा रहे हैं, वीट की तौतियास खा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कॉर्न की तौतियास से डालना है तो वो भी बना सकते हैं, और मैदे की उसका लिंक याद देती हूँ वो भी आप बना सकते हैं। चले ये अच्छा सा कलर इसका चेंज हो गया। अब इसमें हम डालते हैं क्वार्टर कप यानी चार टेबलस्पून पानी, और इसको थोड़ा सा कवर करके कुक करने के लिए रख देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है इसका। चले ये सब अच्छे से रोस्ट हो गया। सबसे पहले हम लहसुन निकाल लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब चीज़ों की रोस्ट होने की। देखिए ये हमारी बेल पेपर भी बड़े अच्छे से रोस्ट हो गई। इसका भी चूल्हा बंद करते हैं और इसको एक बोल में डाल देते हैं और बोल को कवर कर देते हैं ताकि उसे थोड़ा पसीना आए गर्मी में। देखिए चिकन जो है उसका पानी ड्राई हो गया है, तो बस इसको अब बिल्कुल हम स्लो पर रख देते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास तीन कप पानी है, और ये हमारे पास है तीन टेबलस्पून चिकन पाउडर, यानी नो रियर मैगी की आप क्यूब्स डाल दें चार के आसपास।
तो ये हम डाल देते हैं 3 कप पानी में, 3 टेबलस्पून, और इसको घोल लेते हैं। तो बेसिकली ये अब हमारा चिकन ब्रॉथ बन गया है। तो अब हम अपने ये लहसुन जो है इसका छिलका निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है अंदर। तो ये देखिए आइस हल्का हल्का अंदर से भी रोस्ट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, स्वीट हो गया है। ये डाल देंगे और अब हम अपनी ये टोमेटोज, अनियन ये सब डालेंगे, ये रोटी डालेंगे। दो बैच में होगा तो मैंने सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल दी है। तो इसमें अब आधा कप के आसपास हम चिकन ब्रॉथ डाल देते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। तो चलिए ये मज़े मज़े का हमारा जो है इसको डाल देते हैं डायरेक्ट पतीले में। ये देखें चिकन बुला रही है इसको। तो ये चला गया। अब इसी तरह ये वाला भी कर लेंगे। अब जो मैं बता रही थी ना, जैसे कॉर्न टॉर्टिलास डालनी है या फिर फ्लावर टॉर्टिलास डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, और ये घर की रोटी डालनी है तो ये भी डाल सकते हैं। आधा कप दोबारा डाल देंगे इसमें चिकन ब्रॉथ। तो अब हमारे पास रह गया है 2 कप। तो ये 2 कप जो है हमारा इसमें चला जाएगा और आधा आधा हमने पीसने के लिए यूज़ किया। चले जब अच्छा सा प्योर हो जाए, ज़रूरी नहीं है इसमें ही आप पीसें, ग्राइंडर में पीस लें, किसी चीज़ में भी पीस लें। अब चूल्हे को हम करेंगे तेज़, जो हमने लो रखा था ना तो मीडियम हाई कर लेंगे। और ये जो कंसिस्टेंसी अभी नज़र आ रही है ना, ये गाढ़ी गाढ़ी सी, बेसिकली इतनी हमें चाहिए। तो अब उस हिसाब से हम आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। चले अब इसमें हम भुट्टा डाल देते हैं। ये हमारा फ्रोज़न था, अभी तो थाव गया है तो रूम टेम्परेचर है, तो लेकिन ये उबला हुआ थोड़ा सा होता है। लेकिन इस पॉइंट पर आप कच्चे भुट्टे के दाने भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी इसे पकना है। तो चलिए ये डाल देते हैं 1 कप। और अब इसे हम कवर करके मीडियम लो पर रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 15 से 20 मिनट में। देखिए हमारा सूप जो है वो 15 मिनट से ज़ोर और शोर से पक रहा है। अब हम कुछ चीज़ें करते हैं, जिसमें से ये एक पैन में चूल्हा हमारा ऑन है, थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून डालेंगे। और यहाँ हमारी सूखी भी बासी रोटी है, इसको रोल करेंगे जैसे भी रोल हो रही है और इसको थिनली काट लेंगे। देखिए फुर्सत थी मेरे पास जब सूप पक रहा था, तो मैंने यहाँ गोभी भी काट के रख दी है, हरा धनिया, हरी मिर्चें काट ली है, और अब ये कटेगा। अब इसको तेल जो है गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे और क्रिस्पी करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ओवन में भी कर सकते हैं या एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, अगर तेल को अवॉइड करना है तो। ये सूप को क्रिस्पी रोटी जो है वो दोबाला कर देती है उसके टेस्ट को। चले ये फ्राई हो रही है और हम देख लेते हैं अपने बेल पेपर के क्या हाल है। ये देखिए पसीने में रह रह के इसको अब हम थोड़ा सा, ये देखिए पेपर टॉवल से, चाहे तो नल के नीचे आप धो भी सकते हैं, ये स्किन देखें इतनी तेज़ी से निकल जाएगी। चले ये अच्छी सी हो गई है, इसको आप कटिंग बोर्ड पर रखते हैं और रोटी को देख लेते हैं कि क्या हाल है। देखिए क्रिस्पी हो रही है, नज़र रखेंगे जल ना जाए। और अब इसको पीसेस कर लेंगे।
ये इसके अंदर का निकाल लेंगे। और इसके पीसेस कर लेंगे। बाइट साइज पीसेस कर लेंगे। रोटी के चूल्हे को बंद करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी करारे से हो गए। अगर आप चाहें तो पेपर टॉवल पे निकाल लें इसे थोड़ी देर के लिए। अब मैं इस तरह से इसको ड्रेन कर लूँगी। चले ये तो अच्छा सा हमारा हो गया क्रिस्पी करारे। इसको निकाल लेते हैं। चले और ये बेल पेपर को डाल देते हैं इसमें। अब चूल्हे को करते हैं बंद और देखते हैं हमारा सूप कैसा लग रहा है। खुशबुएं तो बड़ी आ रही है, ये देखिए। तो चलें आप इसको हम डिश आउट करते हैं। और ये हलीम की तरह इसको खूब गार्निश किया जाता है। ये ग्रिल वाली हमारी बेल पेपर्स, थोड़े से टोमेटोज डालेंगे अगर पसंद है तो। यहाँ बारीक बारीक कटी हुई गोभी है। ये थोड़ी हरी प्याज, हरा धनिया और फिर क्रिस्पी रोटियाँ। ये जितना दिल चाहे आप डाल सकते हैं। देखा कैसा झटपट हमारा जबरदस्त सा एंटीक स्टाइल का सूप बन गया। अब वो भी घर की सारी चीज़ों से। रोटी बासी को हमने इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और देखिए फैबुलस हो गया। ऐसा कि दावत जैसा, हलीम की तरह टॉपिंग्स भी है। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कैसा धुआं निकल रहा है। इतना खतरनाक अच्छा है। सारी चीज़ें मौजूद है। चिकन है, वेज है, रोटी है और ये जो क्रिस्पी है ना, ये जो हमने रोटी ऊपर से डाली है इसका भी मज़ा ही एक अलग है। इतना मुनासिब फ्लेवर है। और जब हमने ग्रिल किया था ना सारी चीज़ें, उसका इतना ख़तरनाक टेस्ट आ रहा है। और फिर थिक थिक गाढ़ा गाढ़ा पेट भरने जैसा। और फिर सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबके घर में मौजूद होते हैं। मैं बता रही हूँ आप लोग बनाएं, सर्दियों में खूब इंजॉय करें, पार्टीज़ में बनाएं, धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।